हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू मेडिकल वाला। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एमपी स्टेट कोटा आयुष काउंसलिंग की डेट के बारे में, क्योंकि जो है ऑल इंडिया प्राइवेट कोटा एमपी आयुष काउंसलिंग का शेड्यूल आ चुका है और वो शेड्यूल अब ऑफिशियल वेबसाइट पर भी शो होने लगा है, ठीक है, जो कि आज यहाँ पर अपडेट हुआ है। जैसे कि मैं कल बता चुका हूँ कि पहले जो अपडेट रहते हैं अधिकतर वो वाली वेबसाइट पर आते हैं जो कल की वीडियो में मैंने बता दिया, इस पर थोड़ा सा एक दिन लेट शो होता है, ठीक है। वहाँ पर 12 तारीख को आ गया था, यहाँ 13 तारीख है और आज शो हो रहा है ऑप्शन, ठीक है, डेट भी 13 ही आ रही है। तो दोस्तों, इसका शेड्यूल तो आ चुका है और 15 तारीख से काउंसलिंग भी स्टार्ट हो रही है। तो लोग कंफ्यूज है कि क्या यही स्टेट कोटा जो 85% की काउंसलिंग होती है उसका शेड्यूल है, या फिर स्टेट कोटा का शेड्यूल नहीं आया तो कब आएगा, कौन सा स्टेट कोटा का रहता है, कब से होगी, बहुत सारे क्वेश्चन रहते हैं दिमाग में ना। और मैंने आप लोगों के कमेंट्स देखे हैं, बट कुछ का रिप्लाई दे पाया हूँ, कुछ का नहीं दे पाया हूँ, उसके लिए सॉरी। मैं दे दूँगा क्योंकि टाइम का थोड़ी प्रॉब्लम हो रहा है, लेकिन मैं आज सबका रिप्लाई कर दूँगा। तो दोस्तों देखिए, स्टेट कोटा की काउंसलिंग जो है, जैसे कि ये 15 से स्टार्ट हो रही है तो स्टेट की भी लगभग मान सकते हैं हम 18 तक स्टार्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि 20 तारीख से पहले पहले स्टेट की काउंसलिंग भी जहाँ तक है 99% चांस है काउंसलिंग स्टार्ट हो जाएगी। बट ये है कि जब तक सेकेंड ये ऑल इंडिया का जब तक एडमिशन चलेगा ना, तब तक स्टेट कोटा की चॉइस फिलिंग नहीं होगी। स्टेट कोटा की जो चॉइस फिलिंग है वो जब तक ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद ही स्टार्ट होगी। लेकिन इसमें क्या है, रजिस्ट्रेशन के लिए और वेरिफिकेशन के लिए टाइम ज़्यादा मिलता है। इसमें जो स्टेट कोटा की होती है इसमें 14 दिनों का टाइम मिलता है रजिस्ट्रेशन और वेरिफिकेशन के लिए, तो ये लगभग लंबा चलता है। तब तक ऑल इंडिया का फर्स्ट राउंड जो है लगभग कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो हम जो एक्सपेक्टेड डेट की बात करें तो लगभग लगभग 20 से पहले पहले इसकी डेट भी अनाउंस हो जाएगी और लगभग स्टार्ट भी हो जाएंगे। दोस्तों इसका आप टेंशन मत लो, बस आप वेबसाइट पर नज़र रखो या फिर मेरे चैनल पर नज़र रखो, आपको कहीं ना कहीं दोनों में से एक जगह अपडेट मिल ही जाएगा, ठीक है। मैं तो अपडेट देता ही हूँ, अगर मेरे पे भरोसा नहीं है तो आप वेबसाइट जो कि मैं अभी देख बता रहा हूँ आप लोगों को, ये मतलब ऑल इंडिया वाली है, तो स्टेट कोटा की ये वाली वेबसाइट है फर्स्ट वाली, आप इस पर अपडेट देखते रहिए। यहाँ पर कोई भी अपडेट आएगा तो तुरंत यहाँ पर शो हो जाएगा, है ना। अगर खुद आप देख सकते हो तो आप वेबसाइट को भी देखते रहिए दिन में एक दो बार, ठीक है। लगभग शाम में 5-6 बजे तो देख लिया करो, क्योंकि जो भी अपडेट आता है लगभग 5 बजे के आसपास ही यहाँ पर वेबसाइट पर शो होता है, ठीक है। और दोस्तों जो अभी जो शेड्यूल आया है, जो इससे पहले मैं बता रहा था, मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये वाला जो वेबसाइट, ये वाली जो ऊपर वाली एमपी स्टेट आयुष काउंसलिंग जो कि 85% कोटा की काउंसलिंग कराता है, और ये नीचे जो दिख रहा है ऑल इंडिया कोटा सीट्स ऑफ प्राइवेट इंस्टीट्यूट जो कि 15% ऑल इंडिया, ठीक है, ऑल इंडिया काउंसलिंग होती है जिसमें 15% सीटें फिलअप होती है ऑल इंडिया के थ्रू, ठीक है। तो दोस्तों इसमें ऑल इंडिया में आप एमपी वाले भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, बट मैं आपको कहना चाहूँगा जो एमपी के स्टूडेंट हैं वो इसमें पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि आपको स्टेट कोटा से बहुत अच्छा कॉलेज मिल जाएगा, इसमें अच्छा कॉलेज मिलने के चांसेस कम है, उसका कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है, ठीक है। और अगर आप लोग इसमें पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो ये है कि कम से कम जो अदर स्टेट के हैं उनको थोड़ा अच्छा कॉलेज मिल सकता है यार, क्योंकि अगर आपके अगर 350 नंबर है तो आपको स्टेट से भी मतलब ऑल इंडिया से भी यहाँ पर एमपी में कॉलेज मिल जाएगा। लेकिन क्या है कि वो आप लोगों के तो मतलब स्टेट कोटा से भी वो सीट मिल रही है, तो और एमपी में ऐसा होता है कि यार सीटें खाली रह जाती लास्ट में जो नीचे के कॉलेजेस है, ठीक है। तो क्या है कि अदर स्टेट के जो स्टूडेंट हैं उन्हें कम से कम वो सीट मिल जाए, तो और आपको भी अगर आप स्टेट से करोगे तो आपको उससे बेहतर ही कॉलेज मिलेगा। तो दोस्तों जिनके 300 से कम नंबर है या 280 से कम नंबर है वो लोग ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट ना करें, क्योंकि इधर सिक्योरिटी डिपॉजिट फालतू में आपको देना पड़ेगा और आपको कॉलेज अलॉट नहीं होगा, फिर आप उसके पीछे भागोगे, सोचोगे यार हमारा सिक्योरिटी डिपॉजिट कब आएगा, उसके बारे में सोचते रहोगे, हमेशा कमेंट करते रहोगे या इधर उधर कहीं भी मतलब है ना कि पता नहीं सिक्योरिटी डिपॉजिट आएगा नहीं आएगा। इसलिए जिनके 280 से कम नंबर है वो इस ऑल इंडिया काउंसिल में पार्टिसिपेट ना करें। और मैं एमपी वालों को तो सभी को बोलूँगा आप इसमें पार्टिसिपेट करें ही ना, जो अदर स्टेट के वो सिर्फ ऑल इंडिया में पार्टिसिपेट करें, और जो एमपी के स्टूडेंट है वो थोड़ा मतलब वेबसाइट पर ध्यान दें और या मेरे चैनल पर बने रहिए, तो अब जो भी अपडेट आता है मैं तुरंत दे ही देता हूँ। कल भी मैंने सबसे पहले अपडेट दिया था, तो जैसे स्टेट कोटा काउंसलिंग स्टार्ट होगी आप लोगों को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। दोस्तों इसके अलावा आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो वो आप कमेंट कर सकते हो, मैं उस टॉपिक पे वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, और आपका जो भी डाउट है वो भी आप कमेंट कर दो, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा या फिर वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, थैंक यू सो मच।